हम हाजिर हैं कार्यक्रम के अंतर्गत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री अंकित कुमार शाही तथा NSUI के बड़े सदस्य अभिषेक द्विवेदी की बातें, आइए सुनते हैं। नमस्कार, हम हाजिर हैं कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रतिदिन एक नए मेहमान से मिलते हैं और आप अपने दिल की बातों को जानकारी लेते हैं। आज आपकी हर प्रश्न को उत्तर देने के लिए मेरे साथ दो दो अतिथि आए हुए हैं। सबसे पहले भोजपुर दर्शन के सभी दर्शकों की ओर से, भोजपुर वासियों की ओर से आप सभी को, दोनों अतिथियों को ढेर सारी शुभकामना, बधाई कि आप लोगों ने भोजपुर दर्शन को समय दिया। दर्शकों, मैं बता दूं कि आज आपके हर प्रश्न को उत्तर देने के लिए मेरे साथ हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन से जुड़े हुए हैं अंकित कुमार शाही जी, जो मेरे बाएं साइड बैठे हुए हैं, और मेरे दाहिने साइड बैठे हुए हैं NSUI के अभिषेक द्विवेदी जी। इन दोनों अतिथियों को पुनः एक बार बधाई, शुभकामना। वैसे तो आप हमारे दोनों अतिथियों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, इनके पहले से आप पहले से परिचित हैं क्योंकि आपके बीच के रहने वाले हैं। लेकिन संक्षिप्त परिचय में आपको बता दूं कि अंकित कुमार शाही जी का जन्म जो हुआ है वो 16 सितंबर 1986 को बिहार शरीफ जो नालंदा में वहां पर हुआ था, और इनके पिताजी का नाम है अरुण कुमार जबकि माता का नाम है सीता कुमारी। इनका प्रारंभिक शिक्षा जो हुआ वो आपके गांव के विद्यालय से, यानी बिहार शरीफ नालंदा से हुआ, और उसके बाद इन्होंने बिहार शरीफ से ही स्नातक की डिग्री हासिल करने के उपरांत स्नातकोत्तर जो इन्होंने किया वो मगध विश्वविद्यालय से किया। वैसे तो विद्यार्थी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अंकित कुमार शाही जी का जुड़ाव जो हुआ 2006 से हुआ, लेकिन पूर्णकालिक के रूप में 2012 से ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में अपना पदभार संभाले और उस समय से सेवा कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये पूर्णकालिक सेवा के रूप में पटना, नालंदा, गया के बाद कई जगहों रहने के बाद इन्होंने आरा में आए और उस समय से लेकर आरा में अभी कार्यक्रम अपना कर रहे हैं, सारा कुछ संभल रहे हैं कि हमारा छात्र के भविष्य जो है वो उज्ज्वल है, उज्ज्वल हो। आपको बता दें कि खेल में इनकी कोई विशेष रुचि अंकित कुमार शाही जी का नहीं है, और संगीत में भी इनकी रुचि है, लेकिन वैसा संगीत जो संगठन का संगीत हो, देशभक्ति संगीत हो। वैसे मैं बता दूं कि खाली समय में ये सामाजिक कार्य को करने में ज्यादा विशेष रुचि लेते हैं कि ताकि समाज आगे बढ़ सके। इतना ही नहीं, इनका एक ड्रीम है, ड्रीम यह है कि उच्च इनकी एक पहचान, अलग पहचान बने, और उस पहचान में ऐसा पहचान जो भारत का नाम रोशन कर सके, इनकी एक ड्रीम है, सपना है। अंकित कुमार शाही जी का नंबर जो है आप नोट कर लें, क्योंकि आप कभी भी बात करना चाहते हैं तो आप नंबर पर फोन करके अंकित कुमार शाही जी से अपनी समस्या का निदान या इनसे आप जुड़ सकते हैं। इनका नंबर है 9431280366। यह रहा अंकित कुमार शाही जी का संक्षिप्त परिचय, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन से जुड़े हुए हैं। और अभिषेक कुमार द्विवेदी जी का संक्षिप्त परिचय मैं आपको बता दूं कि अभिषेक कुमार द्विवेदी जी का जन्म जो हुआ है 13 दिसंबर 1987 को हुआ था, यानी एक साल अंकित कुमार शाही अभिषेक कुमार द्विवेदी से बड़े हैं। 86 में इनका जन्म हुआ जबकि इनका जन्म 87 में हुआ है, समकक्ष है। और इनका जन्म आपको रिसड़ा जो कलकत्ता में है वहां पर इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम है देव नारायण द्विवेदी जी। इन्होंने जैन स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास करने के उपरांत महाराजा कॉलेज से इंटर, स्नातक, और उसके बाद LLB महाराजा लाभ कॉलेज से इन्होंने किया, और उसके बाद MSc की भी परीक्षा इन्होंने पास की, डिग्री हासिल किए, और 2010 से ही इन्होंने NSUI से अपनी जुड़ाव रखा, जुड़ गए। लेकिन 2013 में पूर्ण रूपेण यानी NSUI से इन्होंने अपना कार्यभार संभाला, और उस समय से लेकर अभी प्रदेश स्तर पर ही अपने NSUI का एक दायित्व को संभाल रहे हैं। खेल में अभिषेक द्विवेदी जी का रुचि क्रिकेट से है, बैडमिंटन से है, शतरंज से है, जबकि संगीत से इनका कोई लगाव नहीं है, न संगीत सुनने का इनके पास कोई
समय मिल पाता है और नहीं संगीत सुनना और गाना दोनों से कोई विशेष अभिषेक द्विवेदी जी का लगाव नहीं है। वैसे खाली समय में ये न्यूज देखना ज्यादा पसंद करते हैं, न्यूज पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं ताकि देश दुनिया की खबर मिल सके। और इनका एक सपना है कि एक अच्छा पॉलिटिशियन यानी राजनीतिज्ञ बन सके, इनका एक ड्रीम है। अभिषेक द्विवेदी जी का जो नंबर है मोबाइल नंबर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, इनका नंबर है 9308734018। यह रहा हमारे आपके आज अतिथियों का संक्षिप्त परिचय। मेरे साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन से जुड़े हुए अंकित कुमार शाही जी हैं और NSY के प्रदेश स्तर पर जो एक अधिकारी हैं वो हैं अभिषेक द्विवेदी जी। पुनः एक बार आप सभी की ओर से बधाई शुभकामना। लेकिन सबसे पहले बात आती है कि वर्तमान समय में शिक्षा पर सरकार जहां प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए खर्च किया करती है वहीं आज वीर कुंवर विश्वविद्यालय की हाल क्या है यह आप जानते हैं, क्योंकि वीर कुंवर विश्वविद्यालय अपना शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा विकास करने का वादा किया करता है। लेकिन जो बात है कितना, आप तो इस समय गया, नालंदा, पटना, मगध विश्वविद्यालय, बहुत से विश्वविद्यालयों का दौरा किया और विद्यार्थियों के सहयोग के लिए, विद्यार्थियों के लिए भलाई के लिए, विद्यार्थियों की विकास, छात्र जीवन विकास के लिए हमेशा से प्रयासरत हैं। अंकित जी, तो आपने जब से जुलाई से आप आरा में आए, जुलाई से लेकर अभी तक जो है, ज्यादा वक्त तो आपका नहीं हुआ, लेकिन उसमें कितना परिवर्तन क्या देखे, क्या महसूस किया, कितना विकास हुआ शिक्षा क्षेत्र में? निश्चित ही सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देता हूँ भोजपुर दर्शन के सभी पूरे टीम को जिन्होंने इस तरह के मुहिम के माध्यम से एक साक्षात्कार समाज के लोगों के साथ करने का प्रयास किया है। वास्तव में ये आने वाले दिनों में मील का पत्थर साबित हो ऐसे हम ईश्वर से कामना करते हैं। और जहाँ तक का विषय वर्तमान शैक्षणिक स्थिति की, तो विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न जिला मुख्यालय पर हमने ये शिक्षा के माध्यम से, हमने अपने संगठन के माध्यम से ये विषय का अध्ययन किया है। निश्चित ही ये धरती वास्तव में भोजपुर की धरती एक शौर्य और पराक्रम की धरती रही है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ यहाँ के हर छात्रों में वो शक्ति उतनी समृद्ध है कि वो एक यदि सही दिशा मिले तो वो निश्चित ही यहाँ से एक अपने नाम को कीर्तिमान स्थापित करने का प्रयास, यहाँ के छात्रों में उतनी शक्ति है। लेकिन जहाँ तक की बात यहाँ की वर्तमान शैक्षणिक स्थिति की आती है तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं आज के छात्रों में वो शिक्षा का स्तर नहीं दिया जा रहा है, चाहे वो विश्वविद्यालय मुख्यालय पर हम जब देखते हैं, क्योंकि ये बड़ा केंद्र है, विश्वविद्यालय मुख्यालय पर लगातार बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली न होना और छात्रों का कक्षा संचालन न होना, महाविद्यालय परिसर में बड़े पैमाने पर एक अटूट भ्रष्टाचार की श्रृंखला कहीं ना कहीं हमें देखते हैं। और वैसे जी आज एक छात्र होने के नाते और वहाँ उस विद्यालय परिसर, महाविद्यालय परिसर के वो बेंच और टेबल भी वो माँ सरस्वती की बिना भी कांपती होगी कि आज वैसे समय में छात्रों की उपस्थिति वैसे। अंकित जी, अभी चुनाव हुआ वीर कुंवर विश्वविद्यालय अंतर्गत छात्र संघ का चुनाव हुआ और उसमें परचम लहराए आप लोगों ने, आपकी भी भूमिका थी कहीं ना कहीं, भले आप आरा में थे या नहीं थे, आप पटना में थे, गया में थे, नालंदा में थे, कहीं भी थे, आपकी भी भूमिका थी सुधार को लेकर, छात्रों का भविष्य उज्जवल को लेकर, कितना सफल हुए आप? लगातार हम समाज के ठेकेदार नहीं है, परंतु हाँ एक सही दिशा में कार्य करने के लिए हम एक पहल कर सके, इस उद्देश्य के साथ में यहाँ के कई इतना सफल हुए जी। निश्चित ही अभी तक कितना सफल, हमारा प्रयास निरंतर जारी है और हम हार तब तक नहीं मानेंगे तब तक हर छात्रों के भविष्य का हम एक सुनिश्चित नहीं करते हैं आने वाले समय। आप सफल कितना हुए? निश्चित ही कई ऐसे विषय जो विभिन्न महाविद्यालयों में चलाए जा रहे थे, ऐसे महाविद्यालयों में लेकर विद्यार्थी परिषद ने कई ऐसे मुहिम चलाया। आप जैन महाविद्यालय एक बड़ा केंद्र माना जाता है इस महाविद्यालय में,
कक्षा संचालन को लेकर के विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने एक योजनाबद्ध तरीके से दूर सुदूर गांव गांव में जाकर के उन्होंने एक मुहिम चलाई और मुहिम का आज परिणाम है। मैं आज इस माध्यम इस भोजपुर दर्शन के माध्यम से हम सभी छात्र छात्रा बंधुवर भगनियों से आग्रह करते हैं कैसे महाविद्यालय परिसर में जाएंगे। अंकित जी ये आग्रह कब तक चलेगा? बात आ गई, मेरा कहना था कि छात्र संगठन संगठन का चुनाव हुआ, उस संगठन छात्र संगठन के चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, छात्र छात्राओं ने भरोसा किया और आज एक चेयर दिया, कुर्सी दिया, कुर्सी पर बैठाया। लेकिन बात सफल कितना हुआ, कितना कार्यक्रम सफल हुआ, छात्र छात्राओं का भविष्य कितना उज्ज्वल हुआ, क्या कहेंगे अभिषेक जी? सबसे पहले मैं आपके चैनल को इस डिबेट के लिए बधाई देता हूँ। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में ही नहीं, बिहार के ऐसे तमाम विश्वविद्यालय हैं जहाँ एबीवीपी लगभग सभी पैनलों पर चुनाव जीत करके आए। छात्र संघ चुनाव कराने का मूल उद्देश्य था कि किसी तरह से जो छात्रों की संवैधानिक अधिकार है उसका हनन न हो, छात्र हित का जो मुद्दा होता है उस मुद्दे पर छात्र संगठन या जो भी छात्र नेता हैं, जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं, सभी लोग खुल करके छात्र हित का मुद्दा उठाएंगे। लेकिन पहले जो स्थिति थी उससे अभी बदतर स्थिति हो गई। चुनाव में मैं इनके संगठन का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लगभग सभी विश्वविद्यालय में इनकी संगठन है। पहले जो स्थिति थी अभी भी, अब तो उससे भी दयनीय स्थिति हो गई है। छात्र नेता लोग, मैं बताना चाहता हूँ, छात्र नेता लोग छात्र राजनीति कम, कॉलेज में ज़्यादातर रंगदारी कर रहे हैं। टीचर से किस तरह से बात किया जाता है, प्रिंसिपल से किस तरह बात किया जाता है, उनको ये नहीं पता। अभिषेक जी, आप किस आधार पर कह रहे हैं कि दुर्व्यवहार? अभी कुछ दिन पहले औरंगाबाद में एबीवीपी लोगों ने दुर्व्यवहार किया था टीचर से, कुछ दिन पहले, सिन्हा कॉलेज की बात है। और जहाँ तक बात है, यहाँ तो हम लोग रोज देख रहे हैं, जो भी छात्र प्रतिनिधि हैं, मैं केवल एबीवीपी का नाम नहीं लूंगा, सारी पार्टी के लोग हैं, वो लोग अपने आप को प्रिंसिपल और वीसी से ज्यादा बड़ा समझते हैं। क्या कहेंगे अंकित जी? ये अभिषेक जी का कहना है कि केवल बातें होती है, कार्य नहीं, काम नहीं होती है, कहने का कुछ और, करने के लिए कुछ और, दुर्व्यवहार की बातें करें अभिषेक द्विवेदी साहब। जहाँ तक कि लगता है कि इनके मुख से दुर्व्यवहार की बातें करना, ये कहाँ तक सही होगा, ये खुद में एक सोचने का विषय है। अभी जब इस तरह की विषय आती है तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने एक अपने कार्यकर्ता छात्रा बहनों के साथ में, उन्हें ही नहीं बल्कि उनके बहनों को अपने बंद कमरे में पोस्ट के लालच को देकर के उन्होंने बुलाया, आखिर क्या विषय रह जाता है जब वैसे लोग जब इन तरह के विषयों को सामने लाते हैं? केवल राजनीति हमारा उद्देश्य नहीं है, छात्रों के अंदर एक सही विचार और सही दशा और दिशा उत्पन्न हो सके, इसको लेकर के विद्यार्थी परिषद काम करती है। आपसे हमें किसी की राष्ट्रवादी बनने की एबीवीपी के कई कार्यकर्ता हाल में बलात्कार में पकड़े गए हैं, आपके पास तो नहीं बोला जाएगा भाई साहब, इतने अखबार कटिंग मौजूद है हम लोग के पास, आपके पास रही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष फैरोज खान, आपके पास यदि फैरोज खान ने स्वेच्छापूर्ण पहले उन्होंने कहा कि मुझ पर लगाए गए जो भी आरोप है वो निराधार है, बेबुनियाद है। हमारी छत्तीसगढ़ की संगठन की बहन थी, उन्होंने ये आरोप लगाया था, लेकिन कुछ न्यूज चैनल ने उसे लिखा, बाद में वो खुद अपने बयान से पलट गए, फिर भी हमारे संगठन ने उसे जांचा। और ये कहना चाहते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुद इतने बड़े पद को ठुकरा दिया और इस्तीफा दे दिया, लेकिन MJ अकबर जो सांसद हैं इनके भाजपा के, वो इतना दिन तक क्या कर रहे थे? जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब इस्तीफा देता है तो आनंद फानंद में भाजपा के मंत्री लोग उनसे इस्तीफा लेते हैं। अभिषेक जी, मैं राष्ट्रीय स्तर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में जब से आप लोग का छात्र संगठन का चुनाव होने के बाद आप लोगों पर विश्वास किए सभी विश्वविद्यालय कॉलेजों के छात्र छात्राएं कि ताकि हमारा जीवन सुधरेगा, कुछ सुखमय होगा, सुनहरा होगा, कितना हो पाया? क्योंकि अभी तक आपने केवल एक बातें कर रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं कि हाँ, मेरा कहना बहुत काम हुआ है छात्र संघ चुनाव के बाद, बहुत काम हुआ है। जो हमारा सत्र था, जो रेगुलर था, वो पिछड़ गया।
परीक्षा में जो कदाचार हो रही थी वो कदाचार और भी ज्यादा बढ़ गया। उसके बाद कहीं कहीं पे नियमित वर्ग संचालन होता था जो आज के डेट में नहीं होता है। बहुत विकास हुआ है विश्वविद्यालय में। अंकित जी देखिए आपके जुलाई से अभी आप हैं बिल्कुल विश्वविद्यालय में। जी जी बताइए, जैसा कि भाई साहब ने बताया कि विकास हुआ, किन मुद्दों को लेकर के आप विकास की दशा दिशा तय करते हैं वो आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, आज कक्षा संचालन को लेकर के विद्यार्थी परिषद कटिबद्ध है और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का देन रहा कि ऐसे महाविद्यालयों में, जैन महाविद्यालय में आप जाए, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का प्रयास रहा कि आज वहाँ कक्षा संचालन हो रहा है। और जहाँ तक की बात छात्र संघ चुनाव की है, तो क्या छात्र संघ चुनाव होना यही एकमात्र उद्देश्य है क्या? छात्र संघ चुनाव होने के बाद क्या उन सभी प्रतिनिधियों को, पूरे बिहार भर में जो प्रतिनिधि जीत करके आए हैं, क्या उन्हें पूरी शक्ति दी गई है क्या? विश्वविद्यालय और बिहार सरकार कभी नहीं चाहती है कि ऐसे छात्र नेताओं कॉलेज कैंपस से खड़ा होकर के और समाज में स्थापित हो। यानी अंकित कुमार शाही जी, आप खुद अपने सरकार पर एक आरोप लगा रहे हैं। जो आपका वर्तमान में एक सरकार है, आप खुद सत्ता में हैं, आपकी सरकार केंद्र में है। ठीक है कि आप उस सत्ता को आप थोड़ा सा अलग मानते हैं, चाहे उसी से आप उनके विचार और आपके विचार मिलते हैं, इसलिए आप साथ में, फिर कह रहे हैं कि आपके कोई विशेष महत्व आपको विश्वविद्यालय नहीं दे रहा है। क्या कहना क्या चाह रहे हैं हमारे दर्शकों को समझ नहीं पा रहे। जहाँ तक कि आपने जो विषय रखा कि आपकी सरकार है, तो हमें लगता है कि ये सही मानना नहीं होगा, क्योंकि विद्यार्थी परिषद एक स्वतंत्र सामाजिक राष्ट्रवादी छात्र संगठन है और इसके सर्टिफिकेट की प्रमाण पत्र की आवश्यकता मुझे किसी से नहीं है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, इनके बड़े समाज कार्यकर्ता सभी भाजपा सांसद और मंत्री के साथ घूमते हैं, लेकिन जब कहीं बात आती है तो विद्यार्थी परिषद कहता है पहले हमारी बातों को समाप्त होने दीजिए। तो वो निर्णय संगठन है भाजपा का, ऐसा है किसी डिबेट में हम मानते हैं कि हमारी एनएसयूआई कांग्रेस की है, लेकिन इन्हें भी मानना पड़ेगा कि भाजपा की छात्र इकाई। मेरा कहना था कि जिस समय चुनाव हो रहा था उस समय काफी कुछ घोषणा किया था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने, एनएसयूआई ने भी घोषणा किया था सभी छात्र छात्राओं से, मतदाताओं से अपने, कि अगर हमको आप मौका देते हो तो मैं ये सारे करते। वो घोषणा पत्र जो आपका हुआ, घोषणा कितना सफल हो पाया इतने समय में, ये मैं कह रहा हूँ। निश्चित ही विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को, जहां तक कि छात्र के समस्याओं को लेकर के काम करने का, कॉलेज कैंपस में लगातार विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आज संघर्षरत हैं। और जहां तक कि विषय हमारे घोषणा पत्र की, घोषणा पत्र के माध्यम से यदि हम देखते हैं तो हर विषय को लेते हुए ये वीरकुंवर सिंह विश्वविद्यालय के छात्र कार्यकर्ताओं ने ऐसा तय किया कि विश्वविद्यालय में भी पढ़ने वाले छात्रों के लिए एक सहयोग के लिए उनके लिए एक संपर्क सूत्र जारी किया जा सके। उन छात्रों ने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर जो भरोसा दर्ज किया, भरोसा लिया, और उसके माध्यम से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जो छात्र संघ चुनाव में जीत कर आए हैं, वैसे कार्यकर्ता आज समाज में उनकी उपस्थिति रही है। और निश्चित ही छात्र संघ चुनाव हो या ना हो, उसके बावजूद भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता लगातार समाज में सही दिशा में कार्य कर रहे हैं, करते भी रहे। निश्चित ही, क्योंकि घोषणा पत्रों में आपने कहा था छात्र छात्राओं को सुरक्षा देना, घोषणा पत्र में आपने कहा था नियमित वर्ग चलेगा, घोषणा पत्र में आप ये भी कहे थे गरीब छात्र छात्राओं को कुछ सहयोग करना, लेकिन वो सारी घोषणाएं। जी बोलिए। जब सत्र समय आता है, जब भी नया सत्र आता है, बेंच लगाकर कुछ कार्यकर्ता बैठ जाते हैं विद्यार्थी परिषद के नाम पे, एक रसीद देते हैं, 5 रुपए का रसीद होता है, उस पे लिखा होता है राष्ट्रवादी बनिए। यह क्या है? क्या राष्ट्रवादी बनने के लिए एबीवीपी की सदस्यता लेना अनिवार्य है? उसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ दिन पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, लगभग 8-9 महीने पहले की बात है। इनके संगठन के लोग हर महाविद्यालय से साल में 25,000 से लेकर 50,000 रुपया चंदा के नाम पर वसूल करते हैं। ये क्या है? ये विद्यार्थी हित की बात करते हैं। आरटीआई से निकाला हुआ दस्तावेज का बात कर रहा हूं। मुझे समय नहीं दिया गया, ना तो वो दस्तावेज मैं लेकर, आपके पास यदि वो दस्तावेज है अखबार में, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आप मानहानि का केस करें। आपके पास यदि साक्ष्य है तो आप आए, हमारे
पास अखबार कटिंग है, हमें अगर समय दिया जाता है, चूंकि आप मुझे आपने कहा कि 5 मिनट टाइम दीजिए, एक वर्ष का समय मैं देता हूँ आपको, वादे के साथ मैं यहाँ संगठन मंत्री होने के नाते ही अभिषेक रख रहा हूँ। आप जाइए, आपके पास यदि साक्ष्य है तो लेकर के आइए, न्यायालय में जाइए, आप मानहानि पर मुकदमा दर्ज कीजिए। बात कहीं कुछ और है, कहना कहीं कुछ और है, लेकिन उन लोगों का क्या होगा जिन लोगों ने विश्वास किया, जिन लोगों ने भरोसा किया, उज्जवल भविष्य की कामना किया और छात्र संगठन के चुनाव में एक अलग पहचान बनाने का मौका दिया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। क्या जी निश्चित ही छात्रों का भविष्य है, छात्र संघ चुनाव, सारे लोगों ने भरोसा किया, एक कामना किया, एक उम्मीद किया, जो वोटर थे, जो छात्र छात्राएं, जो केवल सर छात्र संघ चुनाव संपन्न हो जाना ये नहीं है, ये आपका भी दायित्व निश्चित ही 30 वर्षों के बाद छात्र संघ चुनाव बिहार के सभी विश्वविद्यालय में संपन्न हुए, वो भी सतपाल मलिक छात्र संघ से उपजे हुए नेता है, इसका उन्होंने उनकी सराहना में करते हैं, चुनाव हुए थे वहाँ इनकी पार्टी जीत कर आई थी, कोई काम इन्होंने नहीं किया था। अरे भाई साहब, चुनाव आता है ये शक्ति लेकर जाते हैं, चुनाव जीतते हैं उसके बाद भूल जाते हैं, इनका काम केवल महाविद्यालय और विश्वविद्यालय से चंदा उगाही करना, विद्यार्थी पर ये आरटीआई बोलता है, आरटीआई से लिया गया दस्तावेज की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा केवल छात्र संघ चुनाव के लिए कार्य नहीं कर रही है, संपूर्ण देश भर में विद्यार्थी परिषद ने मुहिम चलाया है महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा को लेकर के, विद्यार्थी परिषद के बलात्कार करते हुए पकड़े जा रहे हैं, महिला संगठन के विकास के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री अंकित कुमार साहिब का कहना है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा से काम किया, जबकि एक आरोप अभिषेक द्विवेदी एनएसयूआई की तरफ से है कि केवल चंदा वसूली की बात, संगठन संगठन मंत्री ने कहा कि अगर इस प्रकार की बात है तो आप मानहानि का केस करें, लेकिन बात पुनः आ जाता है कि एक नई परंपरा, एक नई चीज, महिलाओं के सशक्तिकरण, महिलाओं की यानी छात्राओं को आगे बढ़ाने को लेकर सेल्फ डिफेंस का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इस सेल्फ डिफेंस का कार्यक्रम के माध्यम से कितना विकास महिलाओं के प्रति, छात्राओं के प्रति, क्या कहेंगे आप? स्थिति जिनके मन में, जिनके मस्तिष्क में ये जहर बोया जा रहा है कि ये संगठन जिस तरह का काम कर रही है ये उत्थान के लिए नहीं कर रही है, ये पब्लिसिटी स्टंट है, तो जिनके मन में इस तरह का नकारात्मक भाव डाला जा रहा है तो निश्चित ही कुछ भी करेंगे तो उन्हें गलत ही लगेगा। आज लोग यहाँ, समाज के लोग यहाँ, भोजपुर ऐसे क्षेत्र के लोगों ने सराहा है इस कार्यक्रम को कि मिशन साहसी के माध्यम से विद्यार्थी परिषद ने पिछले दिनों, आपकी बात बीच में काटने के लिए, आपका जो महिला कॉलेज है मिशन साहसी जो प्रोग्राम है वो हमारे कांग्रेस ग्राउंड में हो रहा है, हम लोगों ने जगह दिया है भाई साहब, हम लोगों ने जगह दिया है, आप यहाँ स्वयं फंस गए, जानकारी नहीं है, जब उस महाविद्यालय के पूर्व प्रचार्य एक हुआ करती थी, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उनके द्वारा पहले आंदोलन चला, वो ग्राउंड का पेपर आपके पास नहीं है, आप वहाँ उस जमीन के माध्यम से पैसा उगाही करते हैं, आपको जानकारी नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं है, वो मोटी रकम वसूली जाती है उस ग्राउंड के नाम पर, भाई साहब कि आने वाले दिनों में विद्यार्थी परिषद आंदोलन करेगी और वो जमीन वाले कैंपस को लेकर आएगी। एक बात यहाँ ये आती है, जमीन किसी का हो, जमीन वो भारत के वासियों का है, देशवासियों का है, बात आती है महिलाओं और छात्राओं के विकास की, बात साहसी यह कार्यक्रम की बात आ रही है, सेल्फ डिफेंस की बात आ रही है, इस कार्यक्रम का श्रेय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ले रहा है, क्या इसमें भी कोई बात ऐसी अभिषेक जी? अभी जो एबीवीपी ने कार्यक्रम चलाया है उसका हम लोग स्वागत करते हैं, अभी जो हमारा राष्ट्रीय, बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम हमारा अभी जो राष्ट्रीय दूसरे दल के लोग, मीडिया के स्टूडियो में बैठ करके हमें सराह रहे हैं, यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, जो सराहनीय बात है जहाँ हमारी जीत सुनिश्चित हो रही है, सराहनीय बात साहब अभिषेक जी आपको, अंकित जी ये सही है कि जो सही रहेगा उसको आपके विपक्ष का हो या कोई हो,
हर देशवासी उसका स्वागत करते हैं और अभिषेक जी का दायित्व बनता है कि अच्छे कार्यों के प्रति सराहना करें। निश्चित ही मैं अभिषेक जी को भी ये भरोसा दिलाता हूँ कि आने वाले दिनों में जिस मैदान का आप जिक्र कर रहे हैं कांग्रेस मैदान, वो जमीन आने वाले दिनों में महाविद्यालय परिसर को दे कर रहेंगे। ये विद्यार्थी परिषद की बात पूरी तरह से हास्यपद है। इन्होंने जो बात कही है वो कोर्ट का मामला है। कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, पहले उस जमीन पर महिला कॉलेज का हक था, उन्होंने कब्जा करके रखा था, मामला कोर्ट तक पहुंचा, जब कोर्ट से डिग्री हो गया उसके बाद वहां पे कांग्रेस का बोर्ड आया। तो ये आखिर कोर्ट को चुनौती देना चाहते हैं? न्यायालय ने ये ऐसा आदेश दिया, कोर्ट को ये जमीन कोर्ट ने दिया है महाविद्यालय परिसर को, और महाविद्यालय के प्रशासन, अभी तक महाविद्यालय का बोर्ड क्यों नहीं, महाविद्यालय प्रशासन ने ऐसा, आपकी दबदबा है भैया। अंकित जी पूरा शहर, अंकित जी और अभिषेक जी, यह मामला न्यायालय में है। न्यायालय से हमें डिग्री मिल चुकी है, उसके बाद ही वहाँ पर कांग्रेस का बोर्ड है, वहाँ पर महिला कॉलेज का वो तो यहाँ के स्थानीय केवल राजनीति करना, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। वहाँ पर कांग्रेस, आपने वही, ये कांग्रेस है जिन्होंने देश को लूटा, और आज यहाँ भोजपुर ऐसे समय में भोजपुर वीर और पराक्रम की धरती है, ये कभी शांत बैठने वाला नहीं है। अंकित जी मैं केवल शिक्षा की बात कर रहा हूँ और वही वीर कोश विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई बातों को कर रहा हूँ। अंकित जी, आप लोगों का पार्टी के संगठन मंत्री हैं, भविष्य की योजना क्या है? निश्चित ही आने वाले दिनों में विद्यार्थी परिषद इन्हीं उत्साह के साथ में आने वाले दिनों में भी महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा को लेकर के उनके आने वाले समय में विद्यार्थी परिषद हर क्षेत्र में उनके उत्थान के लिए कार्य करते रहेगी, और आने वाले दिनों में शैक्षणिक परिस्थिति कैसे सुदृढ़ हो, विद्यार्थी परिषद आने वाले समय में उसके लिए भी योजना बनाएगी और उस लगातार उन विषयों पर काम करेगी। ऐसा कहा जा रहा, चर्चा लोग कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, कि सेल्फ डिफेंस के नाम पर भी कहीं ना कहीं से कुछ उगाही का कार्य अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कर रही है, क्या कहेंगे आप? जहाँ तक कि ये विषय आया है, मैं आने वाले दिनों में 30 तारीख के बाद इन पूरे कार्यक्रम का खर्च का ब्यौरा मैं समाज के सामने भी रखने का काम करूंगा। एनएसवाई का भविष्य की योजना क्या है छात्र छात्राओं के हित में, क्योंकि एनएसवाई हमेशा से संघर्षरत रहा है और आपने भी बहुत कुछ किया है ताकि आज आजादी के बाद सबसे लंबे समय तक रहने का काम इन्होंने किया है। हाँ, ये उन्होंने, ये है संघर्ष, आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ ये वही लोग हैं, कई ऐसे आजादी की लड़ाई में टू जी स्पेक्ट्रम हो, इस बैंड आज भी यह लोग अंग्रेजों के साथ हैं। मैं केवल बात कर रहा हूँ आपको वीरकुंवर विश्वविद्यालय से जुड़े हुए शिक्षा से संबंधित, क्योंकि आप दोनों आदमी छात्र छात्राओं के भविष्य को देखते हैं, सुधारते हैं। मैंने इनकी एनएसवाई की योजना पूछा, आपकी योजना क्या है, कैसे सुधरेगा? किसी भी स्टूडियो में बात शैक्षणिक परिदृश्य पर होनी चाहिए जी। चर्चाएं तभी संभव है जब शैक्षणिक परिदृश्य पर हम चर्चा करेंगे, ना कि किसी राजनीतिक कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि हाँ शैक्षणिक परिदृश्य की जहाँ तक आपकी योजना क्या, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ दिन पहले महिला थे, अभी हमारा राष्ट्रीय जो नेतृत्व है वहाँ पर पद खाली है, वहाँ से जो भी हम लोग को टास्क दिया जाता है हम लोग पूरा करते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से लेकर के पूरे देश में जहाँ पर भी जो भी मामला सामने आता है, एनएसवाई उस मुद्दे को जोर शोर से उठाने का कार्य करती है। हर वो मुद्दा जो छात्र हित का मामला हो एनएसवाई उठाती है। मतलब छात्र हित के लिए अभी कोई विशेष योजना आपके पास नहीं है? अभी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं है, आपके राष्ट्रीय नेतृत्व में जिस जो दिशा निर्देश आएगा, जो दिशा निर्देश आएगा हम लोग उसको पूरा करेंगे। भोजपुर दर्शन के सभी दर्शकों, जैसा कि आपने सुना, छात्र हित की बात चाहे वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो चाहे एनएसवाई हो, सभी क्या करते हैं और सभी अपने सभी को कहते हैं कि मेरी ये योजना है, सभी योजना है। आप भी विद्यार्थी हैं, आप छात्र छात्राएं हैं, आप एक मतदाता भी हैं, आप बखूबी जानते भी हैं, क्योंकि आप प्रबुद्ध भी हैं, प्रबुद्ध नागरिक हैं देश के। आज आपके हर प्रश्नों को उत्तर देने के लिए आपने दिया अंकित कुमार शाही जी और अभिषेक कुमार द्विवेदी जी ने। उम्मीद है कि इनके बातों से आपको जो दिल की जो बात है उसकी जानकारी जरूर मिली होगी, और इसी प्रकार उम्मीद है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और एनएसयूआई छात्र छात्राओं के भविष्य को लेकर संघर्ष करते रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ
आप दोनों को बहुत बहुत बधाई शुभकामना कि आप दोनों ने भोजपुर दर्शन को समय दिया। इस उम्मीद और विश्वास के साथ कि छात्र छात्राएं जब कभी भी अंकित कुमार शाही जी आपसे कुछ नई बातों को जानकारी लेना चाहेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप भोजपुर दर्शन को समय देंगे। और अभिषेक कुमार द्विवेदी जी आपसे भी मुझे उम्मीद है कि जब कभी भी छात्र छात्राएं कुछ नई बातों की जानकारी लेना चाहेंगे तो आप भी भोजपुर दर्शन को समय देंगे। पुनः एक बार सभी ये दोनों अतिथियों को आप सभी की ओर से भोजपुर दर्शन की ओर से सभी भोजपुर वासियों की ओर से इस उम्मीद के साथ कि आप सभी अपना ख्याल अवश्य रखेंगे बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं।